देखिए, मेरे इस सब्ज़ी के कारोबार में मेरे बहुत से जो है दोस्त मित्र हैं जो है, और मैं आपसे बताऊं कि जो दर दर की ठोकरें खाते थे, और जो है समझ लीजिए कि मजदूरी उनसे नहीं होता था, और जो सिर्फ साल भर सब्ज़ी के बिजनेस करने से, मैं आपसे बताऊं साल भर में इतनी बढ़िया सब्ज़ी की दुकान चली उन लोगों की, कि जी साल भर में मतलब दुकान चलाए तो साल भर में दुकानदारी चलने लगी, फिर इसके बाद जो है एक साल और दुकानदारी चलाए तो एक एक बिस्सा में, यानी कि एक बिस्से का ज़मीन 1365 स्क्वायर फीट में पूरा समझ लीजिए कि लागत अगर माना जाए तो आज के दौर में जो है 15 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा मकान बनाने में। तो सब्जी के बिजनेस से जो है इतना बड़ा मकान खड़ा जो है आदमी कर ले रहा है जो है ये दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप? मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और मेरी यही दुआ भी है कि आप जहाँ भी रहिए खैरियत से रहिए, खुशहाल रहिए। दोस्तों, एक हमारे साथी हैं, और उन्होंने हमसे कहा है कि हरी सब्जी करने का बिजनेस, हरी सब्जी का बिजनेस कैसे किया जाए, इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे और इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हरी सब्जी का बिजनेस, अगर आप एक नए बिजनेस की तलाश में हैं, एक कारोबार की तलाश में हैं, और आपके अंदर मेहनत और लगन और जज्बा है, और आप बेरोज़गार हैं, और आप मेहनत मजदूरी करते हैं, और पढ़े लिखे हो करके मेहनत मजदूरी करते हैं, और एक दिन में 400 रुपये मजदूरी करके आमदनी करके कमाई करते हैं, और वो भी महीने का आंकड़ा निकाला जाए तो महीने में जो है आपको 10 से 12-15 दिन काम मिलता है, और 10 से 12-15 दिन आप बैठे रह जाते हैं, और इतनी महंगाई में आप परेशान रहते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि हरी सब्जी का बिजनेस आप करिए। ये बिजनेस डेली रूटीन में 24 घंटा, सातों हफ्ते में 7 दिन चलने वाला, महीनों में 30 दिन चलने वाला, साल में 12 महीने चलने वाला बिजनेस, हरी सब्जी का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। अब इसमें हम बात करेंगे कि हरी सब्जी का बिजनेस करने में लागत कितना लगेगा, तो मैं आपसे बताऊं कि बहुत ही कम लागत में ये हो जाने वाला बिजनेस है। अगर आप बहुत स्टैंडर्ड बिजनेस करेंगे तो 15 से 25 हज़ार रुपये में बहुत ही बढ़िया हरी सब्जी का बिजनेस हो जाएगा। और मैं आपसे बताऊं, आप सोचते होंगे कि इसमें फ़ायदा कितना होगा, तो मैं आपसे बताऊं इसमें जो है 50, यानी कि जितने रेट की सब्जी खरीद की आती है उतना ही रेट फ़ायदा उसमें होता है, यानी कि सब्जी में बहुत बढ़िया फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपये किलो आपने पालक ला लिया, तो वो पालक आसानी से 40 रुपये किलो बिकेगा, तो देख लीजिए इतना फ़ायदा है जो है। कुछ ही ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसी सब्जियां हैं जिसमें कम फ़ायदा होता है, लेकिन हरी सब्जी में फ़ायदा बहुत ही बढ़िया होता है जो है। ये चीज़ मैं आपको एक रिसर्च करने के बाद, एक डिस्कस करने के बाद, नॉलेज इकट्ठा करने के बाद ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आपकी सब्ज़ी की दुकान कहाँ पे खुलेगी, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जहाँ आपके मार्केट में सब्ज़ी मंडी है, जहाँ पे 10 सब्ज़ी की दुकानें लगती हैं, आप वहीं पे जगह तलाश करिए। अगर आपको 10 फुट जगह मिल जाएगा तो आसानी से आपकी दुकान खुल जाएगी जो है। अब बात करेंगे कि इसमें लगेगा क्या, तो इसमें आपको कम से कम 10-15 के लगभग कैरेट की ज़रूरत होगी, और जो बांस के जो उसमें सब्जी रखने के लिए जो है जो बर्तन होता है जो है उसको जो है आपको बनवाना होगा जो है,
जो बांस का बनता है, जैसे मान लीजिए आपको लहसुन रखना है, अदरक रखना है, टमाटर रखना है और जो है मिर्च रखना है, इसके लिए जो है। अब बात करेंगे कि सब्जी की मात्रा कितनी होगी, जो है कितना सब्जी खरीद करके आप रखेंगे जिससे आपकी दुकान बेहतरीन, उम्दा और सुंदर लगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 5 केजी लहसुन, 5 केजी अदरक सूखे में, बहुत कायदे का है, आपकी टोकरी इससे भर जाएगी जो है। और टमाटर भी जो है 5 केजी बहुत, एक दिन की बिक्री के लिए बहुत काफ़ी है। और आलू, 2 किस्म का आलू 2 बोरा होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का प्याज 1 बोरा होना चाहिए। अब बात करेंगे हरी सब्जी की। हरी सब्जी की मात्रा एक दिन में कितना आप बिक्री कर सकते हैं, तो मैं आपसे बताऊं, आप जो है 5 केजी से लेकर के 10 केजी तक हरी सब्जी रखिए। जैसे मान लीजिए आपको पालक की बिक्री करना है, तो पालक जो है आप 5 केजी से 10 केजी के बीच में रख लीजिए। अगर आपको परोरा की बिक्री करना है, तो परोरा जो है शुरुआती दौर में थोड़ा सब्जी कम रखिए, 5 किलो से लेकर के 15 किलो तक रखिएगा, लेकिन आपका शुरुआती दौर है तो 10 किलो ही रखिए। अब इसके बाद जो है और सब्जी की बात करेंगे, मान लीजिए बोरो है, तो उसे भी जो है आप 3 केजी 3.5 केजी ले लीजिए। मिर्चा है तो मिर्चा भी जो है 10 केजी ले लीजिए। और कोहड़ा है, कद्दू जिसको बोलते हैं, तो उसको भी 10 केजी ले लीजिए। सूरन है, सूरन नुकसान होने वाला चीज़ नहीं है, उसको भी जो है आप 15 केजी ले लीजिए। यानी कि 5 केजी से लेकर के 15 केजी के बीच में आप ख़रीदारी कर लीजिए। और दुकान एकदम जो है, देखिए इस तरह से दुकान लगाइए कि आपके सामने से आने वाला कस्टमर आपकी दुकान को देख करके आकर्षित हो, ऐसे दुकान लगाइए। अब जो है मैं आपसे बताऊं, जो है आपके हौसला अफजाई के लिए, जो है देखिए मेरे इस सब्जी के कारोबार में मेरे बहुत से जो है दोस्त मित्र हैं जो है। और मैं आपसे बताऊं कि जो दर दर की ठोकरें खाते थे, और जो है समझ लीजिए कि मजदूरी उनसे नहीं होता था, और जो सिर्फ साल भर सब्जी के बिजनेस करने से, मैं आपसे बताऊं साल भर में इतनी बढ़िया सब्जी की दुकान चली उन लोगों की, कि जी साल भर में मतलब दुकान चलाए तो साल भर में दुकानदारी चलने लगी, फिर इसके बाद जो है 1 साल और दुकानदारी चलाए, तो एक एक बिस्सा में, यानी कि एक बिस्से का ज़मीन 1365 स्क्वायर फीट में, पूरा समझ लीजिए कि लागत अगर माना जाए तो आज के दौर में जो है 15 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा मकान बनाने में। तो सब्जी के बिजनेस से जो है इतना बड़ा मकान खड़ा जो है आदमी कर ले रहा है जो है। ये मेरा प्रैक्टिकली चीज़ है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सब्जी का बिजनेस बहुत बढ़िया है जो है, और बहुत ही उम्दा है। अब यह है कि इसमें बेची बिक्री करने का भी तरीका होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बिक्री कैसे करेंगे जो है, अगर आपकी नई शॉप है तो थोड़ा कम मार्जिन में सब्जी की दुकान करिए। अब जैसे मान लीजिए 20 रुपये केजी आपको पालक मिल गया, या फिर जो है 30 रुपये केजी आपको परोरा मिल गया, तो मार्केट में दूना रेट में बिकता है, लेकिन आप 10 रुपये प्रॉफिट रख करके बिक्री करिए। और कुछ सब्जियां ऐसे जैसे धनिया है, मिर्चा है, कुछ ऐसे जो है दो दो चार चार दाना जो है हर कस्टमरों में जो है अपने तरफ से जो है, मान के चलिए कि 1 किलो जो है मिर्च है या फिर 1 किलो धनिया है 100 रुपये का, 100 125 रुपये का, आप ऐसे ही जो है अपने ग्राहकों को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अगला ग्राहक जो है आपसे जो है बहुत मुतमईन होगा जो है, और आपके तरीके से खुश होगा। दूसरा आइडिया ये लगाइए कि थोड़ा अगर जो आपकी सब्जी नॉर्मल हो जाए, उसको सफाई वगैरह करके उसको कुछ सस्ते और रेट में जो है, सस्ते रेट में जो है ग्राहक पहचान करके, जो गरीब तबके के ग्राहक आए जाएँ या फिर वैसे ग्राहक आ जाए, तो उनको सस्ता में भी जो है
आप दे दिया करिए। तो ये सब्जी का बिजनेस था जो कि मैं आपको बता दिया। आपसे अर्ज है कि आप सब्जी का बिजनेस करिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।